सभी को मेरा राम राम। बहुत ही सही जगह क्लिक किया बच्चों आपने, ध्यान समझिएगा। अब हम करने जा रहे हैं चैप्टर कौन सा, 8 है ना, क्लास 10, ठीक है, चैप्टर 8 क्लास 10 मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री, डेरिवेशन है ये, है ना। देखो यहाँ पर करेंगे टी रेशो, 8.2 से रिलेटेड है, टी रेशो ट्रिग्नोमेट्री रेशो ऑफ एंगल 90 and 0 degree, ठीक। तो देखिए सबसे पहले मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप, ये जो एसी है ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एसी की लेंथ को नीचे लेके जा रहे हैं बस, हम ये वाला जो थीटा है इस थीटा की वैल्यू को कम करते जा रहे हैं, तभी तो 0 degree आएगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, इसे नीचे लाऊंगा तभी तो 0 degree आएगा, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं, कम्स देखो इन ए ट्राइंगल ए बी सी, वर्टेक्स सी इज क्लोजर टू द बी, हम वर्टेक्स सी को बी की तरफ लाते जा रहे हैं। और देखो मैंने डायग्राम बनाया ऐसी स्थिति में, ये क्या हो गया, ये देखो यहाँ पे सी लिख दिया बी लिख दिया, इसका मतलब एक के ऊपर एक आ गया, ठीक। अब देखिए जरा मैं वैल्यू लिखता हूँ, साइन थीटा या साइन ए कुछ भी लिख लो, एक ही बात है, यहाँ पे थीटा ए के पास है तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप। साइन क्या होता है बताओ जरा, ये मैंने आपको बता रखा है ना, पी ए पॉन बी, पी ए पॉन बी एच, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है हमारा, पी अपॉन एच है ना, पी क्या है हमारा परपेंडिकुलर, देखो कितना बच्चा बी सी, और एच कितना हमारे पास ए सी, एच कितना हमारे पास ए सी, ठीक है। अब सिंपल सा लॉजिक है, बी सी तो हमारा क्या हो गया, देखो जरा बी सी तो एकदम खत्म, बी सी की लेंथ खत्म हो गई ना, जब मैं इसको नीचे ले आऊंगा तो बी सी तो खत्म हो गया, तो बी सी को क्या लेंगे हम बताइए, ऑब्वियस बात है। और एंगल क्या हो जाएगा इसके बीच में, जब ये एंगल एकदम इसके ऊपर आ जाएगा, एक लाइन एक के ऊपर हो जाएगी, जब एक लाइन एक के ऊपर एक हो जाएगी तो एंगल 0, तो थीटा की वैल्यू यहाँ ऐसे लग जाता, साइन थीटा की वैल्यू तो 0। यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बोलें, ठीक चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं हम जरा। अब उसके बाद कॉस, कॉस क्या होता है बच्चा, बी अपॉन ए बी अपॉन में ए सी, तो देखो जरा ध्यान से थीटा की वैल्यू, देखो जब वो ये यहाँ आ जाएगा थीटा तो 0 हो गया, और यहाँ पे ध्यान समझिएगा ए बी और ए सी बराबर नहीं हो गए, देखो ना ये ए बी और ये ए सी एक के ऊपर एक आ गए, जब ये लाइन इसके ऊपर गिर जाएगी तो दोनों बराबर हो जाएगी ना, इस वाले डायग्राम में देखो, ठीक है, हाँ थर्ड वाले डायग्राम में, ये तो मैंने छोटा करके दिखाया फिर नीचे ले गया, इसलिए मैंने ऐसे बना के दिखाया आपको, ठीक है कट गया। तो कोस 0 क्या आ गया, अब करेंगे टेन, टेन क्या होता है पी अपॉन बी सी अपॉन में ए बी, ठीक है ये थीटा है अभी, वही वाली बात, एंगल क्या हो जाएगा 0, ठीक है नीचे दिख रहा है उसमें आ रहा ना वीडियो में। अब देखो बी सी और ए बी, अब यहां पे ध्यान समझिएगा, बी सी की वैल्यू क्या 0, तो क्या हो जाएगा, नहीं आ रहा, यहां तक आया है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है हमारे पास, अब देखिए जरा यहां पर हम क्या करेंगे, टेन 0 डिग्री, बी सी की वैल्यू 0 हो गई, तो 0 अपॉन में ए सी, तो टेन 0, बाकी और बाकी अपोजिट कर ही लोगे आप, है ना, साइन का उल्टा कॉसेक, सेक का उल्टा कॉस और टेन का उल्टा कॉट, ये तो आप कर ही लोगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, ठीक है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे बच्चा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालेंगे किसका, 90 डिग्री का। तो बस इस डायग्राम में थोड़ा सा चेंज होगा, इसको नोट करने की जरूरत है, करिए जल्दी करिए, डायग्राम चेंज कर रहा हूँ, देखिए बस जल्दी देखिए फटाफट। अब यहाँ पे देखिएगा, अब हमने क्या करना, 90 निकालना है, ठीक है, टी रेशो ऑफ 90, 0 डिग्री खत्म हो गया। देखिए जरा ये ट्रायंगल था, अब हमने पहले ऐसे स्थिति, मतलब हमने क्या कर रहा, सी पॉइंट को, सी वर्टेक्स को बी पे लेके आए थे, अब हम क्या कर रहे हैं, ए वर्टेक्स को बी पे लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो जब ए वर्टेक्स को बी पे लेके जाएंगे तो क्या होगा भाई, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये थीटा क्या हो जाएगा, जब यहाँ जाएगा तो थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी ना, ऑब्वियस बात है, एक सिंपल लाइन आ गई, तो जब सिंपल लाइन आ जाएगी तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा की जगह पहले साइन थीटा क्या होता है बच्चा बताओ, हाँ तो पी कितना हमारे पास,
ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, अब साइन थीटा क्या होगा? यही होगा जो मंजूर खुदा होगा। देखो अब बीसी देखो, जरा ध्यान से देखिए बीसी। हाँ देखो बीसी तो है ही, और एसी क्या हो गई? बराबर हो गई। बीसी और एसी दोनों क्या हो गए? बराबर। तो यहाँ पे एसी की जगह बीसी रख दूंगा। एक मिनट एक मिनट, ये देखो ना, ये एसी देखो, एसी देखो यहाँ पर, इधर देखो एकदम लाइन के ऊपर लाइन आ रही है। अरे भाई ये लाइन यहाँ तक आ गई, ये देखो ना एसी और बीसी, ठीक है, शाबाश। साइन 90 क्या हो गया? वन। साइन 90 क्या होगा? वन, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, 90 डिग्री। कॉस क्या होता है? बी अपॉन एच, ए बी अपॉन में ए सी, एच तो ए सी होगा यार, ठीक है। अब ए बी की वैल्यू क्या, जब ये इधर पहुंच जाएगा तो ए बी तो खत्म है, उसकी कहानी तो जीरो, तो जीरो। 1090 क्या होगा, ध्यान से देखना। 1090 होता है पी अपॉन बी। हाँ हाँ बता रहा हूँ पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो अपॉन ए। आ रहे हैं बता रहे हैं, तसल्ली का चूरन खाएं। इधर देखिए जरा 1090 है हमारे पास, 1090 देखो बी सी और ए बी, ठीक है। अब देखिए जरा जी, ए बी हो गया जीरो, यही मिलते की बात, ए बी जीरो। तो देखो एनीथिंग अपॉन जीरो, कोई भी अगर ऊपर हमारा कुछ भी हो, 50, 1 करोड़, 80, 90 लाख, कुछ भी एनीथिंग, एक्स वैक्स कुछ भी हो, डिवाइड में इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन आता। देखो इन्फिनिटी और नॉट डिफाइन में फर्क है, इन्फिनिटी का मतलब कुछ नंबर है, मगर नॉट डिफाइन का मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इट कैन एग्जिस्ट। तो एनीथिंग अपॉन जीरो दैट इज कॉल्ड नॉट डिफाइन, आपके एनसीईआरटी में एनडी लिखा होगा, नॉट डिफाइन, ठीक है जी। हाँ अपरिभाषित है हिंदी, आएगा आएगा आएगा, कराएंगे कराएंगे, ठीक है। तो 1090 की वैल्यू क्या हो गई? नॉट डिफाइन। बाकी सबका रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, कोई दिक्कत इसमें? किसी को डाउट को समस्या तो बताएं, चलिए किसी को भी कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। सभी को मेरा राम राम।